हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। सो टुडे आई एम हियर एज यू सी इन द टाइटल टू गिव यू अ लेटेस्ट न्यूज ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एक नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, ये क्या है और इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, साथ ही साथ किन किन बातों के लिए मंजूरी दी गई है। तो इस पूरी न्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी दी थी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा, साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो MHRD था, जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। सो NEP को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था, जब 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा भी किया गया था। तो वो वादा अब पूरा किया गया है। तो जो भी जानकारी है, तो आइए उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल और HRD मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दी गई नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, जो कि विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको अपने कैंपस भारत में स्थापित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम भी शामिल है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल एजुकेशन, साथ ही साथ प्रोफेशनल एजुकेशन पर अब स्टूडेंट्स के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 2040 तक उच्च शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे HRD मंत्री ने, हमारे HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हमारे साथ इस नई शिक्षा नीति के बारे में जो जानकारी है वो हमारे साथ शेयर की। तो आप HRD मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर भी आप इस नीति के बारे में देख सकते हैं, जो उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा में और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प रखा गया है। 5 साल का कोर्स वाले MPhil में छूट दी गई है। कॉलेज के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी होगी। शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए शिक्षा में बदलाव किए गए हैं और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में e-कोर्सेज शुरू किए गए हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा में भी कुछ बदलाव हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन NCERT द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा, जो कि पहले से 10+2 थी, वो अब 5+3+3+4 के आधार पर की जाएगी। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटीज मेन्स सरिकुलम में शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ वोकेशनल पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही शुरू होगी पढ़ाई, जो कि हमारी वोकेशनल की पढ़ाई
जो कि हमारे 11th में आके शुरू होती है, वो अब 6th से ही शुरू कर दी जाएगी। 6th क्लास से ही वोकेशनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम दो भागों में होगा। साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स भी शामिल होंगी जो कि अभी तक नहीं होती थी, और साथ ही साथ साल 2030 तक हर बच्चे के शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आप कुछ चीज़ें यहाँ भी देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो MHRD था वो अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है। तो स्कूल्स के लिए कुछ अलग बदलाव हैं, कॉलेजेस के लिए कुछ अलग हैं। तो हम पहले स्कूल्स के देख लेते हैं। फ्रॉम 10+2 to 5+3+3+4, जो 10+2 का हमारा स्ट्रक्चर था, जो हमारी पॉलिसी थी, उसको अब बदल दिया गया है 5+3+3+4 में मल्टी स्ट्रीम्स। अब स्टूडेंट्स काफ़ी सारी स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस को रिमूव कर दिया गया है। डाइल्यूटेड बोर्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज के लिए होंगे, वो सिर्फ मूल अवधारणाओं की जो विषय होंगे वो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगे, और बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ जो बोर्ड होंगे वो साल में दो बार किए जाएंगे, वो साल में दो बार ऑफर किए जाएंगे। साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल, अब 8th क्लास तक लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, उनकी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बैगलेस डेज होंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब साल में, एक साल में 10 दिन ऐसे होंगे जो बैगलेस डेज होंगे, जब स्टूडेंट्स को बैग लेस स्कूल जाना होगा। तो ये थी कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नए बदलाव हैं, जैसा कि SAT लाइक कॉलेज टेस्ट। तो कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ ही साथ 4-year बैचलर। तो जो अभी तक हमारे 3 साल की UG डिग्री होती थी, जो हमारे 3 साल की बैचलर डिग्री होती थी, वो अब 4 साल की भी होगी, नो एफिलिएशन। तो अगले 15 सालों में कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएट करने के लिए ऑटोनॉमी भी दी जाएगी, साथ ही साथ फी कैप और गोइंग ग्लोबल। तो जो टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंडिया में आने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, और साथ ही साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्लोबली एनकरेज किया जाएगा। साथ ही कुछ चीज़ें और हैं जिनसे आप सीधे सीधे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, तो आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। तो 34 साल बाद 34 ईयर्स लेटर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और उसमें कई सारी बातें हैं तो हम वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोदी कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला लिया है। शिक्षा नीति में ये बदलाव 34 साल बाद हुए हैं। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी स्टूडेंट्स को, फिर चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या आप स्कूल के स्टूडेंट्स हों, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 5वीं तक कम से कम और 8वीं या उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा, यानी कि हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। तो 5वीं कक्षा तक, तो 5th क्लास तक स्टूडेंट्स को उनकी स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो हिंदी या इंग्लिश, मतलब हिंदी अंग्रेजी जैसे जो विषय होंगे वो पाठ्यक्रम के तौर पे होंगे। मतलब हिंदी और इंग्लिश हैं तो वो तो हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स होंगे 5वीं तक की क्लास के लिए, तो ये कंपलसरी है, भी कर दिया गया है, या हुआ तो पॉसिबल 8वीं या उससे आगे भी, 8th या उससे आगे भी ऐसा किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी कि स्टूडेंट्स को उनकी स्थानीय भाषा, उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि 5वीं तक तो स्टूडेंट्स को उनकी मातृभाषा या उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो स्थानीय भाषा होगी, उसी में उनको पढ़ाया जाएगा।
अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 10+2 के हिसाब से था, लेकिन अब स्ट्रक्चर हमारा 5+3+3+4 के हिसाब से होगा, जिसमें कि जो 5 है वो प्राइमरी से सेकेंड क्लास तक होगा, वो प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक होगा। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी से दूसरी दूसरी कक्षा तक 5 क्लासेस आती हैं, फिर तीसरी से पांचवी कक्षा तक होगा, फिर जो 3 है नेक्स्ट वो थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक होगा, फिर जो नेक्स्ट थर्ड है वो सिक्स से एट्थ क्लास तक होगा, और जो लास्ट का 4 बचता है वो 9th से 12th क्लास तक का हिस्सा होगा, तो वो 9वीं से 12वीं तक का होगा। अभी तक जो हमारा पाठ्यक्रम चलता था वो हमारा प्राइमरी से 10th तक चलता था और फिर 11th और 12th चलता था, लेकिन अब उसमें ये बदलाव आया है कि वो 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बदलाव हमारे पाठ्यक्रम में आया है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प भी होगा। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने अकॉर्डिंग जो भी वो सब्जेक्ट्स चाहते होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनको चूज कर सकेंगे, उनका चयन कर सकेंगे। और जैसे अगर आप बस साइंस है, अगर आप उसके साथ आप म्यूजिक भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी ऑप्शन होगा कि आप अपने साइंस के साथ, अपने विज्ञान के साथ आप म्यूजिक या संगीत भी सीख सकते हैं। आप उसको भी अपने विषय के तौर पर, अपने सब्जेक्ट के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू हो जाएंगे। तो मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन होती है जो स्टूडेंट्स को 11th में दी जाती है, मतलब जो 10th के बाद 11th में दी जाती है, वो अब 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब अपने प्रैक्टिकल स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स 6th क्लास से ही उनके बारे में वो नॉलेज ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमने भी अपने 11th क्लास में आके सीखा था, अब वो आने वाले स्टूडेंट्स के पास 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, मतलब स्थानीय स्तर पर स्टूडेंट से इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इतना आगे तक पढ़ाई करने के बाद भी काफ़ी सारे आज के स्टूडेंट्स हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या काम करना है, इवन ना ही उन्हें काम मिलते हैं। तो अब जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार लोकल लेवल पर ही स्टूडेंट से इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, ताकि स्कूल में ही स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाए। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा, और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। मतलब जो 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनको तो जारी रखा जाएगा, इसी तरह जैसे कि वो चलते हैं कि 10th और 12th को अपने बोर्ड एग्जाम्स देने होते हैं, लेकिन जो कोचिंग क्लासेस होती हैं जो उसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स को, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टेंशन होती है, जैसे कि हम जानते हैं बोर्ड में स्टूडेंट्स जो है अपने पढ़ाई की वजह से काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं, इसी चक्कर में वो अपने जो कोचिंग क्लासेस भी लगवा लेते हैं, तो उन कोचिंग क्लासेस वो ना लगाएं स्टूडेंट्स, और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उनमें सुधार किया जाएगा। तो अब बोर्ड को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा, उसको नॉलेज बेस बनाया जाएगा, जो कि अभी तक हम देखते थे बोर्ड की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि नॉलेज बेस नहीं होते, होते हैं, लेकिन अब जो बोर्ड होगा वो सिर्फ नॉलेज बेस ही होगा, जो कि स्टूडेंट्स अपना रट कर याद करके आते हैं, घर से वैसे पेपरों में लिख देते हैं, लिखने के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो भी नई नीति आई है इसके अनुसार जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उनका खुद से चुनाव कर पाएंगे, खुद से उनको चूज कर पाएंगे कि वो क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं अब वो खुद ही अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट्स के लिए वो अपनी बोर्ड परीक्षाएं देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर ही बाहर निकले। तो मतलब बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो इतना ये बात तय की जाएगी कि वो कोई ना कोई एक न्यू स्किल सीखकर ही स्कूल से बाहर निकलें। साथ ही बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भूमिका निभाएगा। तो अब रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से मूल्यांकन होगा।
और तीसरा अध्यापक के जरिए मूल्यांकन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी जो हमारी रिपोर्ट्स कार्ड तैयार की जाती हैं उसमें सिर्फ हमारे टीचर्स की ही भूमिका होती है, उसमें सिर्फ हमारे टीचर्स ही स्टूडेंट्स के बारे में जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो तैयार करते हैं। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें एक यह बदलाव भी किया गया है कि अब रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए भी तीन अलग अलग हिस्से होंगे, जिसमें पहला तो ये होगा कि जो स्टूडेंट होगा वो अपने बारे में खुद इवेल्युएशन करेगा, सेकंड उसके सहपाठियों से होगा, जो भी उसके क्लासमेट्स होंगे उनके ज़रिए इवेल्युएशन किया जाएगा, और लास्ट होगा अध्यापक के ज़रिए, हमारे टीचर्स के ज़रिए, जैसा कि होता है। तो एक ये भी बदलाव आया है हमारे रिपोर्ट्स कार्ड को तैयार करने में। साथ ही ग्रेजुएट्स कोर्स में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी बैचलर की डिग्री होती है वो सिर्फ अभी तक 3 साल की होती थी, लेकिन अब वो डिग्री 3 साल की तो होगी लेकिन साथ में 4 साल की भी होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करना है, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बैचलर डिग्री होगी वो 4 साल की होगी, और जो हायर एजुकेशन नहीं चाहते वो उनके लिए सिर्फ, उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 साल की ही डिग्री होगी, जो कि पहले साल पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। तो जो हमारी डिग्री जो 3 साल की है और जो 4 साल की भी अब होगी, तो उससे हमको एक ये प्रॉफिट है कि अगर बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी वजह से अगर अपना बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो ये है कि उसका जो 1 साल है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए 1 साल पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर पूरी डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन चाहते हैं उनको 4 साल की डिग्री करनी होगी, उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। तो वो जब 4 साल की डिग्री करेंगे और वो MA करना चाहेंगे, तो वैसे उनकी 1 साल में पूरी हो जाएगी। साथ ही अब छात्रों को PHIL नहीं करना होगा, MA के छात्र सीधे PhD कर सकते हैं। तो अब ये बेटर ऑप्शन है कि अगर आप MA के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे PhD कर सकते हैं, आपको बीच में MPhil करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा PhD में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और नई नीति स्कूलों और HES दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय पाली संस्थान फारसी और प्राकृतिक भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। तो इसमें बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया, और साथ ही साथ नेशनल पाली इंस्टीट्यूट फारसी और प्राकृतिक भाषा, जो कि हमारी पर्सन और प्राकृतिक लैंग्वेज है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इन सभी की स्थापना की जाएगी, इन सभी का स्टेबलिस्ट किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बोर्ड में हमारे जो बदलाव होने हैं वो हमारे 2021 के शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे, मतलब जो 2021 का एकेडमिक सेशन होगा जिनका, तब से लागू किया जाएगा। और जो कॉलेजेस के लिए जो यहाँ प्रावधान दिए गए हैं वो 2022 के एकेडमिक सत्र से लागू किए जाएंगे। तो जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें किन किन बातों के लिए मंजूरी दी गई, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर था स्कूल्स का 10+2 का, उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स और ला दी गई हैं कि स्टूडेंट्स अपनी मनमर्जी से अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। जो बोर्ड होंगे वो साल में 2 बार होंगे। साथ ही साथ क्लास 8 तक स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। 10 दिन बैगलेस डेज होंगे एक साल में। साथ ही कॉलेज में जो हमारी बैचलर डिग्री जो 3 साल की होती थी वो 4 साल की भी होगी। जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करना है वो 4 साल की डिग्री करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी PG डिग्री होगी, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिग्री होती है, वो 1 साल की होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करना है, क्योंकि उनकी बैचलर डिग्री 4 साल की होगी तो उनकी PG डिग्री 1 साल की होगी। कोई भी एफिलिएशन नहीं होगा, फी कैप होगा। साथ साथ ग्लोबली भी एंकरेज किया जाएगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। साथ ही सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए NTA द्वारा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा, और यह एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा, ज़रूरी नहीं। जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास इस एग्ज़ाम के लिए ऑप्शन होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको एग्ज़ाम देने ही देने होंगे। साथ ही हमारी 6th क्लास से
हमारे वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट आगे चलकर बेरोजगार ना हो। साथ ही साथ जो हमारे पाठ्यक्रम होंगे वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे हमें। और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका एक लक्ष्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी गरीब और पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन लेस हैं, जिनके पास शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती है, तो उन बच्चों तक इस शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं स्टूडेंट्स की एजुकेशन इजी हो, इसलिए ताकि वो आगे जाकर बेरोजगार ना हो। तो ये थे हमारे नई शिक्षा नीति के कुछ बदलाव, जो कि आप सभी अब काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे HRD मंत्री हैं, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। तो जैसा कि आप उनके ट्विटर पर जाकर भी, आप उनके ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आप काफ़ी सारी बातें इस नीति के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर काफ़ी सारे ट्वीट किए हैं हमारे इस NEP को लेकर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने ही आ रही है, आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी बातें हैं जो उन्होंने और शेयर की हैं। तो आप हमारे HRD मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अपने लिए इम्पोर्टेंट लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए।